पूरा देश आज आचार्य महाराज के इस समाधि मरण को देखकर शोकाकुल भी है, दुखी भी है, पर मैं बड़ा खुश हूँ। खुश हूँ इसलिए कि एक ऐसे आचार्य जिसने जैन धर्म को एक नई पहचान दी, जिसने जैन धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने में अपना महनीय योगदान दिया, एक ऐसे आचार्य जिनने संसद में दिगंबरत्व का प्रवेश कराया, एक ऐसे आचार्य जिन्होंने 2500वें निर्वाण महामहोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर मनवाने की भूमिका बनाई, एक ऐसे आचार्य जिन्होंने भगवान बाहुबली की सहस्राब्दी महोत्सव को बहुत धूमधाम से संपन्न कराया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक ऐसे आचार्य जिन्होंने 52 गजा को बहुत भव्यता के साथ जीर्णोद्धार के साथ महामस्तकाभिषेक कराया, एक ऐसे आचार्य जिन्होंने महावीर जी के सहस्राब्दी महोत्सव को संपन्न कराया, उन महान आचार्य ने अपने जीवन का अंत शास्त्र प्रतिपादित पद्धति के द्वारा यम संलेखना पूर्वक किया। ये अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय और दुर्लभ बात है। आज जिस तरीके से उनकी समाधि हुई, ये बड़े बड़े आचार्यों को सुलभ नहीं होती। अंत समय में यही शंका समाधान के मंच में बगल में लगी स्क्रीन पर मेरी नज़र पड़ी थी। दो दिन कल परसों तक जब मैं यहाँ आता तो वो लगभग टीवी पर चलता रहता था कि वे यम संलेखना के साथ लगभग 3-4 दिन तक रहे और उन्होंने अपनी चैतन्य अवस्था में भक्त प्रत्याख्यान को अंगीकार किया और शुभ परिणामों के साथ उपवास की साधना पूर्वक इस नश्वर काया को छोड़ा है। ये बहुत दुर्लभ है। हमें ऐसे आचार्य के प्रति अपनी विनयांजलि अर्पित करनी चाहिए। मैं अपनी ओर से उनके चरणों में विनयांजलि अर्पित करता हूँ। ये भावना भाता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने रत्नत्रय की आराधना पूर्वक यम संलेखना के साथ अपने शरीर को छोड़ा, उसी तरह मैं भी अपने जीवन के अंतिम पलों तक रत्नत्रय की आराधना करते हुए अपने यम संलेखना के साथ इस धरती से प्रयाण करूँ। हर साधक के जीवन का एक ही लक्ष्य है, अंतः क्रियाधिकरणम तपह फलम सकल दर्शनस्तुते तस्मात् यावद् विभुम समाधि मरणे प्रयतितव्यम। अंतः क्रियाधिकरण तप का फल है ऐसा भगवान कहते हैं, इसलिए हर साधक को चाहिए कि वे अपने अंतिम श्वास तक समाधि मरण के लिए प्रयत्नशील रहे, जागरूक रहे। उन्होंने लगभग कितनी उम्र थी, लगभग 100 वर्ष हो गए, 94 वर्ष की उम्र में आज इस अवस्था को प्राप्त किया। काफ़ी दिनों से वे काफ़ी अशक्त थे, लेकिन फिर भी अंत में उन्होंने जो स्वरूप प्राप्त किया वो बहुत दुर्लभ है। और हम तो यही चाहते हैं, हमें ऐसी ही भावना सबकी होनी चाहिए उन महान आचार्य के प्रति। मैं अपनी तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।